हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है वैपुल और आप देख रहे हैं ट्रेड स्मार्टली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न को समझने वाले हैं, जो कि है हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और इन चार्ट पैटर्न्स में हमें किसे टारगेट और स्टॉप लॉस को सेट करना है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम समझते हैं हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इन दोनों चार्ट पैटर्न्स को। तो हेड एंड शोल्डर दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखता है और ये बेयरिश चार्ट पैटर्न है दोस्तों, यानी कि इसके फॉर्मेशन के बाद आप मंदी की उम्मीद कर सकते हैं। और जब इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है तब आपको शॉर्ट करना होता है। हम पहले देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों, जहाँ पर पहला लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन होता है, फिर एक बड़ा हेड होता है और उसके बाद राइट शोल्डर का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये एक बेयरिश चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना है? जब आपको कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई देगा चार्ट पर, तब आपको एक नेकलाइन को ड्रॉ करना है दोस्तों। नेकलाइन यानी कि ये जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट यानी कि जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स स्टॉक वहाँ से बाउंस बैक दे रहा है, यानी कि यहाँ पर दो पॉइंट्स नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये सपोर्ट हो गया। तो हमें इन दोनों सपोर्ट्स को ज्वाइन कर देना है। तो हम कुछ इस तरीके से नेकलाइन को ड्रॉ करेंगे और जब ये नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर देगा तब हमें शॉर्ट करना होता है। और यहाँ पर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हमेशा अप ट्रेंड में ही होना चाहिए, यानी कि तेज़ी के ट्रेंड में होना चाहिए। और जब इसका फॉर्मेशन अप ट्रेंड में होगा तभी ये अच्छे से काम करेगा दोस्तों। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे ही आपको दिखेगा और उस नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वायलेट लाइन है ये यहाँ पर नेकलाइन जैसे एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर सेवरल टाइम सपोर्ट्स हैं। तो जब ये नेकलाइन के नीचे जाता है तब आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना है ब्रेकडाउन पर, आपको वेट करना है कि ये जब रिटेस्ट करेगा इस नेकलाइन को, क्योंकि स्टॉक कभी भी सीधे ऐसे नीचे नहीं जाता है। नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद ये इस वॉयलेट लाइन को रिटेस्ट करेगा और नेकलाइन को रिटेस्ट करने के बाद जब ये इस प्रीवियस लो को, ये जो लो बनाया इस लो को ब्रेकडाउन करेगा, तब आपको इस केस में एंटर करना है। तब यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी विनिंग चांसेस के बहुत ज़्यादा रहेंगे। और दूसरा जो तरीका है एक्यूरेटली ट्रेड करने का, वो ये है कि जब हेड एंड शोल्डर का आपको पैटर्न दिखाई देगा तब आपको ये राइट शोल्डर का ब्रेकडाउन होने के बाद, यानी कि ये जो राइट शोल्डर है जब इसका ब्रेकडाउन होगा तब आपको तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा, एक तो रिटेस्ट पे ट्रेड करना है या तो आपको बिल्डअप का वेट करना है। बिल्डअप यानी कि ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक एक प्राइस एक्शन में मूव करेगा, यानी कि कुछ और एक पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि बॉक्स पैटर्न। तो जब ये यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा ब्रेकडाउन के बाद, तो आपको यहाँ पर रेंज मार्क करना है। और जब इस रेंज का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ, तब आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर इस दोनों केस में आपको ट्रेड करना है, जैसे कि मैंने बताया, एक तो है रिटेस्ट पर और एक है प्राइस एक्शन पर। हेड एंड शोल्डर के बाद आपको वेट करना है और कंफर्मेशन पर ही आपको ट्रेड करना है। तो एंट्री करने के बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। जब कोई भी कैंडल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगा तो उसका जो पहले का कैंडल है उसके हाई पर तुरंत आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। सिंपल है। तो अभी हम इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर। तो यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस इस स्टॉक में हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट अभी चालू है, क्योंकि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है प्रॉपरली। तो ये अभी यहाँ से काफ़ी नीचे जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर अप ट्रेंड हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर अप ट्रेंड था और उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट किया, लेफ्ट शोल्डर, फिर एक हेड है, हेड यानी कि ये जो बड़ा पार्ट होता है, और उसके बाद सेम सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं अप ट्रेंड, फिर लेफ्ट शोल्डर, हेड और फिर राइट शोल्डर, और ये जो सपोर्ट है इसको हम नेकलाइन कहते हैं, इसका भी ब्रेकडाउन हो गया। तो आपको इसी ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना है। पर आपको मैंने कहा कि रीटेस्ट पर ट्रेड करना है। तो आप देख सकते हैं कि जब इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया उसके बाद ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, यानी कि ऊपर चला गया ब्रेकडाउन होने के बाद, और फिर इस नेकलाइन से यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, यानी कि बेयरिश कैंडल का। तो आपको इसी कैंडल में ट्रेड करना है दोस्तों। जब यहाँ पर आपको रिटेस्ट करने के बाद एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन दिख जाए तब आपको उसी कैंडल में एंट्री करना है दोस्तों। वहाँ से ये कंटिन्यूसली नीचे गया, जिसके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अभी टारगेट कैसे सेट करना है कि आपको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके लिए आपको ये जो हेड है इसका लेंथ आपको पॉइंट यहाँ से टू यहाँ तक, यानी कि लो टू टॉप आपको इसका लेंथ लेना है इस हेड का,
और ये जो हेड का लेंथ रहेगा दोस्तों, ये जो वॉयलेट लाइन है, यही आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन होने के बाद जहाँ पर आपने एंट्री किया है इस नेक लाइन पर, यहाँ पर आपको सिंपली ज्वाइन कर देना है और देखना है कि ये लेंथ कहाँ तक जा रहा है। तो ये लेंथ करीब 355 लेवल तक जा रहा है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टॉक यहाँ तक गिर सकता है, ये हमें ऐसे कह रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें तुरंत प्रॉफिट बुक कर देना है। तो इस तरह आप टारगेट को भी जज कर सकते हैं दोस्तों इस चार्ट पैटर्न के साथ। और जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है, जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी कैंडल ब्रेकडाउन करेगा उसके प्रीवियस कैंडल के हाई पर आपको सिंपली स्टॉप लॉस सेट करना है, यानी कि ये जो कैंडल है इसके हाई पर आपका सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ही छोटा है और जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे ही ट्रेड आपको करना है दोस्तों। आई होप आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ कैसे ट्रेड करना है ये समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम देखते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हमेशा अप ट्रेंड में होता है, और यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है इसका फॉर्मेशन हमेशा डाउन ट्रेंड में ही होता है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश चार्ट पैटर्न है दोस्तों, यानी कि इसके फॉर्मेशन के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो अभी इस पैटर्न का फॉर्मेशन किस तरह होता है वो देखते हैं। पहले लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन होता है, शोल्डर्स हमेशा छोटे होते हैं दोस्तों, और उसके बाद एक बड़ा हेड और राइट शोल्डर का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। तो ये सेम एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही होता है, बस उसका उल्टा है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है, तो आपको पहले तो नेकलाइन को ड्रॉ करना है दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो नेकलाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है दोस्तों। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है। तो ये दो रेजिस्टेंस पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है और नेकलाइन का फॉर्मेशन इस तरह होता है। और जब स्टॉक इस नेकलाइन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ब्रेकआउट करेगा इस नेकलाइन को, तब आपको सिंपली एंटर करना है। पर ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होने पर ही ट्रेड करना है। यानी कि जब स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा तब आपको यहाँ पर एंट्री करना है नेकलाइन के पास, और फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो इस तरह आपको ट्रेड करना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ। तो अभी हम ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकल चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है और स्टॉप लॉसेस को किस तरह सेट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस स्टॉक में देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होने के बाद ये स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यही मूव आपको कैप्चर करना है। तो अभी हमें किस तरह स्टॉप लॉसेस को लगाना है और टारगेट कहाँ तक लगाना है, ये सभी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर और हेड और एक शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है रिटेस्ट होने के बाद। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद तीन कैंडल कंसोलिडेट के थे, और जब इसका रेंज ब्रेकआउट हुआ इंट्राडे चार्ट पर, तब यहाँ पर एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला दोस्तों। तो हमें यही इस वक्त एंट्री करना है दोस्तों, जब इसका रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा ब्रेकआउट होने के बाद, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होने के बाद आपको इसी तरह ट्रेड करना है। तो अभी इसका टारगेट कैसे निकालना है हमें, तो सिंपली हमें ये जो हेड है इस हेड का लेंथ लेना है, तो जो कि ये स्टॉक हमें बता रहा है कि यहाँ से लेकर आई टू लो इस तरह हमें लेंथ निकालना है जहाँ तक हेड है, और ये हमें सिंपली ब्रेकआउट पॉइंट तक ज्वाइन करना है और देखना है कि ये लेंथ कहाँ तक जा रहा है। तो ये जो लेंथ का लेवल होगा यही आपका टारगेट होगा दोस्तों। तो 527 तक ये स्टॉक अभी जा सकता है, इस तरह हम जज कर सकते हैं। तो इस तरह हमें टारगेट सेट करना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में दोस्तों। और जो स्टॉप लॉस हमें लगाना है दोस्तों एंट्री करने के बाद, वो सिंपली प्रीवियस कैंडल के लो पर लगाना है दोस्तों। यानी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, तो जो भी प्रीवियस कैंडल होगा उस कैंडल के लो पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये 325 का लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका इतना बड़ा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों चार्ट पैटर्न्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।